स्वागत करते हैं आप सभी दर्शकों को हमारे हीरो इंडियन सुपर लीग के मैच डे 15 के दूसरे मैच पर। ईस्ट बंगाल एफसी वर्सेस जमशेदपुर एफसी सॉल्ट लेक स्टेडियम से लाइव प्रेडिक्शन गेम प्ले आप सभी के लिए लाया गया हमारे तरफ से। प्रेडिक्ट करेंगे हम लोग यहां पर आज के इस मैच का विनर, हीरो ऑफ द मैच और प्रेडिक्टेड स्कोर लाइन क्या हो सकते हैं इस मैच पर। तो हम लोग भैया शुरू करेंगे हमारा प्रेडिक्शन गेम प्ले, लेकिन उसके पहले आप सभी हमारे कमेंट सेक्शन पर जरूर बताइएगा आपका क्या प्रेडिक्शन है आज के इस मैच को लेकर। क्या यहाँ पर ईस्ट बंगाल एफसी ये मैच जीत सकते हैं या यहाँ पर जमशेदपुर एफसी जीत हासिल करके ले जाएंगे अवे विक्ट्री जो होगा जमशेदपुर के लिए। अगर स्टैंडिंग्स की बात करते हैं यहाँ पर ईस्ट बंगाल और जमशेदपुर पूरा एकदम आसपास ही है, 9 नंबर पोजीशन पर है ईस्ट बंगाल, 12 मैचेस और 12 पॉइंट्स हासिल किए हैं, 4 मैचेस जीते हैं, अभी तक कोई भी मैच ड्रॉ तो नहीं किया लेकिन 8 मैचेस हारे हैं। तो जमशेदपुर की अगर हम लोग बात करते हैं 13 मैचेस पर सिर्फ 6 पॉइंट्स, एक मैच हारे हैं, एक मैच जीते हैं, 3 मैचेस ड्रॉ किया, 9 मैचेस हारे हैं। तो प्रेडिक्टेड लाइनअप पहले बता देंगे ईस्ट बंगाल का, पवन कुमार, अंकित मुखर्जी, लालचंदुंगा, इवन गोंजालेस, जेरी, मुबशीर रहमान, जॉर्डन ओडोहटी, हिमांशु जंगरा और सामने से नवरे महेश सिंह, क्लिटन सिल्वा और एलेक्स। प्रेडिक्टेड लाइनअप थोड़ा से देख लेंगे हम लोग जमशेदपुर एफसी का क्या है थोड़ी देर। प्रेडिक्टेड स्टार्टिंग 11 जमशेदपुर एफसी की तरफ से, विशाल यादव, रंतले, दिनपोया, प्रतीक चौधरी, रिकी, राफेल क्रिवेलारो, प्रणय हल्दा, जय मानुअल थॉमस, ऋतिक कुमार दास, डैनियल चीमा चुकुए और ईशान पंडित अप फ्रंट। 4-4-2 के फॉर्मेशन पर एडी बुट्रोडी द्वारा ये मैच शुरू करता हुआ। तो भैया चालू करेंगे हमारा ये प्रेडिक्शन गेम प्ले, किक ऑफ करेंगे फर्स्ट हाफ और जरूर आप सभी बताइएगा हमारे कमेंट सेक्शन पर आपको क्या लग रहा है, आपका क्या प्रेडिक्शन है आज की इस मैच को लेकर। क्या यहाँ पर ईस्ट बंगाल एफसी जीत हासिल कर पाएंगे या यहाँ पर जमशेदपुर एफसी जीत हासिल करेंगे। किक ऑफ करता हुआ फर्स्ट हाफ यहाँ पर ईस्ट बंगाल, लालचंदुंगा पास करता हुआ जॉर्डन ओडोहटी, नावरे महेश सिंह का पास यहां पर एलेक्स के लिए, एलेक्स से चला गया मुबशीर रहमान से क्लिटन सिल्वा का शॉट और शुरुआती मोमेंट्स पर एक पहला गोल क्लिटन सिल्वा की तरफ से ईस्ट बंगाल। यहां पर 3 मिनट पर पहला गोल दाग दिया है इस मैच का। और यहां पर क्या ही बताए, क्लिटन सिल्वा का लेफ्ट फुट एंड स्ट्राइक यहां पर बिल्कुल विशाल यादव के तरफ से निकलता हुआ और यहां पर एक बेहतरीन बेहतरीन गोल जरूर कहूंगा मैं। तीन मिनट पर पहला गोल दाग दिया यहां पर। प्रेडिक्टेड स्कोर लाइन ईस्ट बंगाल 1 जमशेदपुर 0। क्रिवेलारो पास करता हुआ पीछे दिनपुया, दिनपुया का पास प्रणय हल्दार, प्रणय हल्दार से ईशान पंडिता, बॉल छीनता हुआ जॉर्डन ओडोहटी ईस्ट बंगाल के लिए, पास यहां पर क्लिटन सिल्वा का चिप पास यहां पर नवरे महेश सिंह, यहां पर एक मौका आ सकता है ईस्ट बंगाल का दूसरा गोल दागने का, लेकिन रेंटले लालदिन लियाना रेंथले ने यहां पर कर दिया है ब्लॉक। और यहां पर अभी भी रेंथले बॉल को लेता हुआ पास करता है ईशान पंडिता, जमशेदपुर के लिए ईशान पंडिता आगे बढ़ने की कोशिश, यहां पर थ्रू पास ऋतिक कुमार दास, ऋतिक कुमार दास ऑन द बॉल, यहां पर अंकित मुखर्जी का यहां पर कोशिश टैकल और यहां पर डैनियल चीमा चुकुए का स्लाइडिंग चैलेंज, लेकिन गोलकीपर वहां पर बेहतरीन साबित होते हुए ईस्ट बंगाल का एक बहुत ही बढ़िया मौका आ गया था जमशेदपुर का, लेकिन गुड गोलकीपिंग यहां पर क्लिटन सिल्वा, एक और चांस क्लिटन सिल्वा के लिए और यहां पर दूसरा गोल 13 मिनट पर आता हुआ क्लिटन सिल्वा और ईस्ट बंगाल के लिए, और यहां पर 2 गोल का लीड शुरुआती मोमेंट्स पर। ईस्ट बंगाल के फैंस सॉल्ट लेक स्टेडियम पर बिल्कुल चीयर करता हुआ अपने टीम के लिए, और यहां पर एक बेहतरीन शुरुआत मिल गया है ईस्ट बंगाल को इस मैच पर जमशेदपुर के अगेंस्ट। और क्लिटन सिल्वा ऑलरेडी 2 गोल दाग दिए हैं और ऑन ए हैट्रिक बिफोर हाफ टाइम। ए
जो एमैनुअल थॉमस के पास प्रणॉय हल्लार। राफेल क्रिविलारो से डेनियल चिमाचुकुए का थ्रू पास, फिर से राफेल क्रिविलारो, यहां पर जमशेदपुर इससे आगे बढ़ने की कोशिश, लेकिन लालरिन सुवाला ने यहां पर एक बेहतरीन डिफेंडिंग की, थ्रो इन जरूर मिलेगा यहां पर जमशेदपुर एफसी को। रॉय हल्ला बैक पास रेंथले, जय इमानुअल थॉमस यहां पर शॉट लेने की कोशिश दूर से, और एक अच्छा प्रयास लेकिन टारगेट पर नहीं रख पाए और उतना ज्यादा प्रेशर फोर्स भी नहीं डाल पाए बॉल पर शॉट पे। तो यहां पर एक बहुत ही चीकी ट्राई मैं कहूंगा जय इमानुअल थॉमस के तरफ से, लेकिन कोई दिक्कत नहीं यहां पर रोहित कुमार के लिए। रोहित कुमार ने क्रॉस कर दिया, लॉन्ग बॉल फॉरवर्ड यहां पर ईस्ट बंगाल, नहीं रख पाए बॉल, इमैनुअल थॉमस ने ले लिया बॉल। ऋतिक कुमार दास का पास इस वहां पर ईशान पंडिता, बैक पास ऋतिक कुमार दास, फिर से थ्रू पास निकाल दिया यहां पर लल्ला के लिए, रिकी लल्ला से ईशान पंडिता, यहां पर एक मौका जमशेदपुर के लिए, प्रणॉय हल्दार का शॉट लेकिन ऑन टारगेट नहीं, ऊपर से चला गया बॉल और यहां पर एक और मौका गंवाते हुए जमशेदपुर एफसी। लॉन्ग बॉल फॉरवर्ड फिर से रोहित कुमार की तरफ से, जॉर्डन ओडोहर्टी थ्रू पास, जांगड़ा, जांगड़ा का पास क्लिटन सिल्वा से, जांगड़ा फिर से यहां पर शॉट लेने की कोशिश, लेकिन प्रतीक चौधरी का गुड डिफेंसिव रेस्पॉन्सिबिलिटी वहां पर जमशेदपुर के लिए। डेनियल चिमाचुकुए काउंटर अटैक पर आगे बढ़ने की कोशिश, लेकिन शॉर्ट रन वहां पर जमशेदपुर के लिए, फिर से यहां पर बॉल पोजिशन खोते हुए मिडफील्ड पर और ऑफ साइड का कॉल यहां पर नावरे महेश सिंह के लिए, ऑफ साइड, जी हाँ नावरे महेश सिंह यहां पर ऑफ साइड पोजीशन पर थे और इसी के साथ साथ रेफरी एक सेट पीस देता हुआ जमशेदपुर को। दिनपुया का क्रॉस यहां पर चेनियल चिमाचुकुए के लिए, यहां पर बॉल जमशेदपुर ने ले लिया है वापस, इमैनुअल थॉमस और यहां पर छीनता हुआ बॉल जॉर्डन ओडोहेटी, एलेक्स ईस्ट बंगाल ऑन द रन, एलेक्स के तरफ से यहां पर बेहतरीन जगह बनाए, यहां पर क्लिटन सिल्वा का शॉट और यहां पर तीसरा गोल ईस्ट बंगाल के लिए और इसी के साथ साथ हैट्रिक कंप्लीट करता हुआ क्लिटन सिल्वा और 3-0। व्हाट अ शॉट दैट इज, बिल्कुल यहां पर बेहतरीन तरीके से जगह बनाया वहां पर ईस्ट बंगाल का फॉरवर्ड और क्लिटन सिल्वा बिल्कुल ओपन थे, ऑन द वॉली शॉट लिया, राइट फुटेड शॉट और क्लिटन सिल्वा का क्लिनिकल फिनिश यहां पर ईस्ट बंगाल को 3 का लीड देता हुआ फर्स्ट हाफ पर, और 3 ही क्लिटन सिल्वा के तरफ से आए हैं और यहां पर एक हैट्रिक बिफोर हाफ टाइम क्लिटन सिल्वा के तरफ से। डेनियल चिमाचुकुए थोड़ा सा डीप नजर आते हुए, जय इमैनुअल थॉमस और डेनियल चिमाचुकुए जमशेदपुर के लिए, ईशान पंडिता, डेनियल चिमाचुकुए का ओवरलैप रन थ्रू पास पे ढूंढता हुआ यहां पर चेनियल चिमाचुकुए, बैक टू ईशान पंडिता, शॉट लेते ईशान पंडिता और यहां पर पहला कमबैक गोल जमशेदपुर के ईशान पंडिता के तरफ से 32 मिनट पर आ चुका है और प्रेडिक्टेड स्कोर लाइन हो गया है ईस्ट बंगाल 3 जमशेदपुर एफसी 1। बढ़िया तरीके से यहां पर जो मैच हो रहा है भैया, जमशेदपुर बिल्कुल कमबैक की बहुत चांस है अभी तक जमशेदपुर को, अगर वहां पे जमशेदपुर इसी तरीके से खेलते रहे तो यहां पर जरूर पकड़ लेंगे यहां पे ईस्ट बंगाल को 2 का लीड पर वापस आता हुआ। 33 मिनट पर जमशेदपुर ने पहला गोल दागे है यहां पर इस मैच पर। क्लिटन सिल्वा का पास जंगरा के लिए, बैक पास जयमेनल थॉमस का इंटरसेप्शन वहां पर, ईशान पंडिता के लिए पास, ईशान पंडिता से डेनियल चिमाचुकुए टर्न लिया और यहां पर बेहतरीन मौका, प्रणॉय हल्दार क्या यहां पर काउंट ऑन कर पाएंगे, नहीं, इवान गोंजालेस वहां पर पास को बाखूबी रीड किया पहले से और वहां पर क्लियर करता हुआ ईस्ट बंगाल के लिए। पोजीशन देख सकते हैं हम लोग 56% पोजीशन जमशेदपुर के लिए और 44% पोजीशन ईस्ट बंगाल के लिए, लेकिन उतना ही काफी था यहां पर जमशेदपुर को यहां पर बीट करने के लिए। राफेल क्रिविलारो ऑन द बॉल, चिप पास निकालने की कोशिश, यहां पर बेहतरीन रिसीव डेनियल चिमाचुकुए
क्या यहाँ से कुछ निकाल पाएंगे ऋतिक कुमार दास? बैक टू ईशान पंडित, डैनियल चिमा चुके, खतरा अभी तक नहीं टला और यहाँ पर आ चुका है डैनियल चिमा चुके। बहुत ही बढ़िया शॉट यहाँ पर डैनियल चिमा चुके की तरफ से और यहाँ पे एक गोल फिर से जमशेदपुर एफसी आर बैक इन बिजनेस। एक गोल का लीड अभी ईस्ट बंगाल के लिए, प्रेडिक्टेड स्कोर लाइन हो गया है ईस्ट बंगाल 3 जमशेदपुर एफसी 2। 41st मिनट पर यहां पर कमबैक जमशेदपुर की तरफ से, एक गोल सिर्फ दागना है फिर हो जाएगा ड्रॉ और फिर होगा खेल। डैनियल चिमा चुके का पास यहां पर ऋतिक कुमार दास, ईस्ट बंगाल सब कुछ लगा के यहां पर डिफेंड कर रहे हैं। यहां पर अंकित मुखर्जी पास करता हुआ एलेक्स, एलेक्स से जंगड़ा, मुबशीर रहमान का थ्रू पास, लिटन सिल्वा फिर से यहां पर आगे बढ़ने की कोशिश। 45 मिनट का खेल हो चुका है, 2 मिनट का एडिशनल टाइम, शॉट यहां पर और यहां पे फिर से आ गया है 2 गोल का लीड फर्स्ट हाफ खत्म होने के ठीक पहले और यहां पर एक बेहतरीन गोल, बेहतरीन बिल्ड अप प्ले मैं कहूंगा यहां पर ईस्ट बंगाल के लिए। और इसी के साथ साथ आ गया है 4th गोल ईस्ट बंगाल के लिए और क्या ही बढ़िया शॉट लगाए यहाँ पर जॉर्डन ओ डोहर्टी, राइट फुटेड कर्लर यहाँ पर, आउटसाइड कर्लर लगाए थे राइट फुट से और यहाँ पर कोई चांस नहीं जमशेदपुर के गोलकीपर को। प्रेडिक्टेड स्कोर लाइन हो गया है फर्स्ट हाफ में, 2 मिनट का एडेड टाइम यहाँ पर ऑलमोस्ट खत्म होने को है, रेफरी कभी भी विसल दे सकते हैं। यहाँ पर डैनियल चिमा चुकुए के पास बॉल और यहाँ पर फर्स्ट हाफ का खेल होता है समाप्त और प्रेडिक्टेड स्कोर लाइन आफ्टर फर्स्ट हाफ ईस्ट बंगाल 4 जमशेदपुर एफसी 2 और यहाँ पे सेकेंड हाफ का जो मुकाबला हो सकता है भैया वो बहुत ही तगड़ा मुकाबला होने वाला है सेकेंड हाफ पर, क्योंकि यहाँ पर ईस्ट बंगाल ने कर दिया है 4 गोल, है उनके पास 2 गोल का लीड जो कि उनको डिफेंड करना है और जमशेदपुर पूरी फोर्स के साथ शायद इस मैच के अटैकिंग मोड पर उतरेंगे सेकेंड हाफ पर, जैसे कि उनका कोच उन्हें बताएंगे। देखना यही है क्या होता है सेकेंड हाफ के प्रेडिक्शन गेम प्ले पर। आप सभी बने रहिएगा हमारे साथ अंत तक और देखते रहिएगा हमारा ये प्रेडिक्शन गेम प्ले और जरूर आपका प्रेडिक्शन हमारे कमेंट सेक्शन पर बताइएगा इस मैच को लेकर। चलिए थोड़ा स्टैट्स में आ जाते हैं यहाँ पर हम दोनों, यहाँ पर रिसेंट फॉर्म की अगर हम लोग बात करते हैं ईस्ट बंगाल और जमशेदपुर के बीच में, तो ईस्ट बंगाल ने लास्ट 5 मैचेस पर 2 मैचेस जीते हैं, 3 मैचेस हारे हैं, 2 मैचेस जीते हैं यहाँ पर बेंगलुरु और जमशेदपुर के अगेंस्ट ही पहला मैच फर्स्ट लेग जीते हैं यहाँ पर ईस्ट बंगाल ने 1:3। जमशेदपुर ने 1 गोल दागे थे, ईस्ट बंगाल ने 3 गोल दागा था 2 गोल से, 2 गोल के लीड पर ये पहला फर्स्ट लेग जो इन दोनों के बीच में हुआ था वो जीत गए थे ईस्ट बंगाल। तो क्या यहाँ पर सेकंड लेग में ईस्ट बंगाल जीतेंगे और अनबीटन रहेंगे इस सीजन पर जमशेदपुर के खिलाफ, या यहाँ पर जमशेदपुर एफसी फर्स्ट लेग का बदला जरूर लेगा? तो यहाँ पर देखना यही है कौन सा टीम आगे बढ़ जाता है इस मैच से। जमशेदपुर की अगर हम लोग बात करते हैं तो लास्ट 5 मैचेस पर 3 मैचेस हारे हैं, 2 मैचेस ड्रॉ किए हैं, तो ज़्यादा मतलब अगर हम लोग कंपेयर करते हैं दोनों टीमों के स्टैट्स को, दोनों टीमों के रिसेंट फॉर्म को, तो विन प्रोबेबिलिटी जो है वो ईस्ट बंगाल के तरफ थोड़ा सा ज़्यादा, लेकिन फुटबॉल की बात क्या ही कर सकते हैं, यहाँ पर कुछ भी हो सकता है, तो देखना यही है क्या होता है। हेड टू हेड रिकॉर्ड पे आ जाएंगे हम लोग इन दोनों टीमों के बीच में, अगर हम लोग देखते हैं हेड टू हेड रिकॉर्ड इन दोनों टीमों का, तो लास्ट 5 मैचेस का पहले हेड टू हेड रिकॉर्ड आप सभी को बताना चाहूंगा। लास्ट 5 मैचेस पर ईस्ट बंगाल ने 2 जीत हासिल किया है जमशेदपुर के अगेंस्ट, 2 मैचेस ड्रॉ हुए हैं और जमशेदपुर ने 1 जीत हासिल किया है ईस्ट बंगाल के अगेंस्ट। यहाँ पर प्रेडिक्टेड स्टैट्स फर्स्ट हाफ का देख सकते हैं, यहाँ पर पोजीशन बहुत ज़्यादा रखे हैं जमशेदपुर लेकिन उस हिसाब से कन्वर्ट नहीं कर पाए उसको। शूटिंग अगर हम लोग देखते हैं 6 शॉट्स लिए जमशेदपुर ने, यहाँ पर ईस्ट बंगाल ने 4 शॉट्स लिया 4 गोल पे। क्लिटन सिल्वा के तरफ से ये बेहतरीन 3 हैट्रिक, लेकिन
डैनियल चीमा चुकवे और ईशान पंडिता ने भी बेहतरीन खेल किया, खेल की प्रदर्शन करते हुए दो गोल जरूर दागे है। तो शुरू कर रहे हम लोग सेकंड हाफ प्रेडिक्शन गेम प्ले का, किक ऑफ करता हुआ जमशेदपुर एफसी सेकंड हाफ को। यहां पर चाय इमानुअल थॉमस पास देने की कोशिश, मुबशीर रहमान बॉल ले लिए यहां पर ईस्ट बंगाल ने, क्लिटन सिल्वा का पास यहां पर जंगरा का पास लेकिन रख नहीं पाए, पास नहीं कर पाए और यहां पर जमशेदपुर एफसी ऑन द रन। चाय इमानुअल थॉमस का पास यहां पर ऋतिक कुमार दास के लिए, जमशेदपुर के ऋतिक कुमार दास क्रॉस दे पाएंगे, क्रॉस तो जरूर दिया है लेकिन सीधे यहां पर रोहित कुमार के पास, रोहित कुमार का क्लियरेंस सही से नहीं कर पाए, जय मनाल थॉमस का शॉट लेकिन टारगेट पर नहीं। बेहतरीन मौका जरूर, एक मिस्टेक कर दिए थे रोहित कुमार ने गोलकीपिंग पर लेकिन कुछ ज्यादा परेशानी हुआ नहीं यहां पर, लकी मैं जरूर कहूंगा यहां पर ईस्ट बंगाल। रोहित कुमार का लॉन्ग बॉल फॉरवर्ड एलेक्स के लिए, एलेक्स का हेडर बैक टू मुबशीर रहमान, ईस्ट बंगाल के पास पोजीशन यहां पर बाखूबी, जॉर्डन ओडोहेटी का पास यहां पर क्लिटन सिल्वा का शॉट और यहां पर चौथा गोल क्लिटन सिल्वा के लिए इस मैच पर और पांचवा गोल ईस्ट बंगाल के लिए और इसी के साथ साथ तीन गोल का लीड रिस्टोर्ड वंस अगेन सेकेंड हाफ पर। ईस्ट बंगाल एफसी यहां पर बाखूबी अपना अटैक कंप्लीट करते हुए क्लिनिकल फिनिश में कहूंगा क्लिटन सिल्वा की तरफ से बेहतरीन प्लेयर है, वो क्षमता है इनमें कि अपने टीम को आगे ले जाए ऐसे गोल्स के साथ, तो वही करके दिखा रहे हैं यहां पर क्लिटन सिल्वा और ईस्ट बंगाल यहां पर जीत का खुशी जरूर अभी तक तो लीड पर है लेकिन जमशेदपुर यहां पर कमबैक की कोशिश जरूर करेंगे। राफेल ग्रिवलारो ऑन द बॉल, डैनियल चीमा चुकवे डिफेंडिंग बढ़िया, मैन मार्किंग बढ़िया यहां पर और यहां पर बॉल छीनने की लड़ाई में एक फाउल कर दिया गया है डैनियल चीमा चुकवे के ऊपर लेकिन फ्री किक जरूर मिलेगा जमशेदपुर एफसी को। जय इमानुअल थॉमस, क्रॉस करता हुआ ऋतिक कुमार दास मौजूद लेकिन क्लियरेंस मुबशीर रहमान द्वारा यहां पर ले लिया है यहां पर नावरे महेश सिंह, ईस्ट बंगाल की पोजीशन यहां पर इंटरसेप्ट किया वहां पर ईशान पंडिता का पास जय इमानुअल थॉमस, जय इमानुअल थॉमस का बैक पास डैनियल चीमा चुकवे के लिए, बैक टू जय इमानुअल थॉमस, डैनियल चीमा चुकवे यहां पर मौका, डैनियल चीमा चुकवे का शॉट लेकिन सीधे रोहित कुमार के पास और फिर से एक मिस्टेक, सेम मिस्टेक यहां पर और यहां पर एक मौका हो सकता है डी इमानुअल थॉमस का शॉट लेकिन रोहित कुमार मौजूद थे, तैयार थे और कॉर्नर चालंबॉस कीरिया काउ को लाया गया यहां पर मुबशीर रहमान के जगह पे और पहला सब्स्टिट्यूशन इस मैच का ईस्ट बंगाल एफसी की तरफ से स्टीफन कॉन्स्टेंटाइन करता हुआ। ऋतिक कुमार दास ले रहे हैं यहां पर कॉर्नर, क्रॉस करता हुआ इनसाइड द बॉक पोस्ट और क्लियरेंस अंकित मुखर्जी द्वारा, जमशेदपुर बिल्कुल यहां पर प्रेशर बनाने की कोशिश कर रहे हैं, जॉर्डन ओडोहेटी का पास क्लिटन सिल्वा के लिए, नावरे महेश सिंह यहां पर मौजूद ओवरलैप रन की प्रयास यहां पर जॉर्डन ओडोहेटी थ्रू पास दे पाएंगे, निकाल दिया थ्रू पास यहां पर और ऑफ साइड पोजीशन पर नावरे महेश सिंह और इसी के साथ साथ फ्री किक जमशेदपुर एफसी। मिनट्स का खेल यहां पर समाप्त हो चुका है और यहां पर स्कोर लाइन है प्रिडिक्टेड स्कोर लाइन ईस्ट बंगाल 5 जमशेदपुर एफसी 2। राफेल क्रिवेलारो से डैनियल चीमा चुकवे, ऋतिक कुमार दास जमशेदपुर जाने की कोशिश लेकिन अंकित मुखर्जी का फिर से बेहतरीन डिफेंडिंग में कहूंगा यहां पर, क्लिटन सिल्वा से एलेक्स, एलेक्स का चिप बॉल फॉरवर्ड, नावरे महेश सिंह ने ले लिया है बॉल, बैक पास की कोशिश लेकिन ईशान पंडिता वापस आता हुआ लूज बॉल को लेता हुआ जमशेदपुर के पोजीशन पर, इमानुअल थॉमस बैक टू प्रणय हल्दार, प्रणय हल्दार का पास राफेल क्रिवेलारो से इमानुअल थॉमस बैक टू डैनियल चीमा चुकवे, टर्न राफेल क्रिवेलारो का पास यहां पर ऋतिक कुमार दास का शॉट और यहां पर
जमशेदपुर के खाते पर दागता हुआ ऋतिक कुमार दास। और इसी के साथ साथ जमशेदपुर एफसी फिर से कमबैक करने की कोशिश पर लगे हैं और यहां पर एक बढ़िया बिल्डअप प्ले इमैनुअल थॉमस और ईशान पंडिता के बीच में ऋतिक कुमार दास बिल्कुल ओपन चले गए थे, कोई मैन मार्किंग नहीं था ऋतिक कुमार दास के ऊपर। अंकित मुखर्जी वॉज लैगिंग बिहाइंड और यहाँ पर पूरा फायदा उठाते हुए ऋतिक कुमार दास जमशेदपुर के लिए तीसरा गोल जरूर दाग दिया है। और यहाँ पर दो गोल का लीड पर वापस आता हुआ मैच 73rd मिनट पर यहाँ पर ऋतिक कुमार दास का ये बहतरीन गोल। नावरे महेश सिंह प्रेडिक्टेड स्कोर लाइन 75th मिनट पर हो चुका है। ईस्ट बंगाल 5 जमशेदपुर एफसी 3। ले लिया है बॉल ईस्ट बंगाल ने और यहां पर एक बेहतरीन शॉट जरूर क्लिटन सिल्वा के तरफ से, लेकिन साइड नेटिंग। विशाल यादव यहां पर प्रिपेयर करते हुआ गोल किक के लिए। रेंथले का पास प्रणय हल्दार, राफेल क्रिवेलारो थ्रू पास निकालता हुआ ऋतिक कुमार दास के लिए। जय मैनुअल थॉमस जमशेदपुर फिर से यहां पर एक गोल दागने की सोच पर आगे बढ़ता हुआ राफेल क्रिवेलारो का लॉन्ग रेंजर, लेकिन जॉर्डन ओडोहेटी का क्लियरेंस वहां पर। एलेक्स इन पोजीशन, नावरे महेश सिंह बैक टू एलेक्स यहां पर पास चार्लम्बोस किरियाकाऊ बैक टू एलेक्स 1-2 यहां पर क्लिटन सिल्वा किसी को पास देने की सोच यहां पर जॉर्डन ओडोहेटी से एलेक्स यहां पर एक मौका ईस्ट बंगाल की तरफ से और बहुत ही बढ़िया सेव विशाल यादव ने पुल किया यहां पर और अनिकेत यादव को लाया गया यहां पर नावरे महेश सिंह की जगह पे। दूसरा सब्स्टिट्यूशन इस मैच का ईस्ट बंगाल के लिए, कॉर्नर ले रहे एलेक्स क्रॉस करता हुआ इनसाइड द बॉक्स क्लियरेंस ऋतिक कुमार दास की तरफ से, लेकिन बॉल पिकअप करेंगे लूज बॉल को लालचनुंगा। एलेक्स का क्रॉस यहां पर अनिकेत यादव क्लिटन सिल्वा का शॉट और फिर से विशाल यादव यहां पर बेहतरीन गोलकीपिंग करता हुआ और अपने टीम्स का डिफेंसिव लाइन पर जरूर खुश नहीं है यहां पर विशाल यादव। और यहां पर पहला सब्स्टिट्यूशन प्रतीक चौधरी को लाया गया यहां पर ऋतिक कुमार दास की जगह पे, जमशेदपुर एफसी का पहला सब्स्टिट्यूशन। एलेक्स का क्रॉस इनसाइड द बॉक्स क्लियरेंस प्रतीक चौधरी की तरफ से और डैनियल चीमा चुकुए लालचंगनुंगा यहां पर बॉल ले लिया है वापस थ्रू पास जंगरा का पास यहां पर चार्लम्बोस किरियाकाऊ जंगरा फिर से यहां पर बॉल, लेकिन डिस्पोजेशन प्रतीक चौधरी की तरफ से। 3 मिनट प्लस एडेड टाइम का खेल बाकी, क्या इसी समय पे जमशेदपुर कमबैक कर पाएंगे। प्रणय हल्दार का पास यहां पर इमैनुअल थॉमस बैक टू प्रतीक चौधरी। प्रतीक चौधरी यहां पर बेहतरीन तरीके से यहां पर किरियाकाऊ ने बॉल ले लिया है, इंटरसेप्शन किया है एलेक्स जांगरा। 4 मिनट का एडिट टाइम दिया गया है रेफरी की तरफ से, 90 मिनट का नॉर्मल टाइम ओवर है। अंकित मुखर्जी का क्रॉस राइट अक्रॉस द पाथ, लेकिन कोई प्लेयर मौजूद नहीं उस पे टच देने के लिए और यहां पर मोहम्मद रकीब को लाया गया है अंकित मुखर्जी के जगह पे। ईस्ट बंगाल का तीसरा सब्स्टिट्यूशन इन एडिट टाइम। विशाल यादव लॉन्ग बॉल फॉरवर्ड राफेल क्रिवेलारो के लिए, हेडर पास टू प्रणय हल्दार यहां पर दिनपुया। जमशेदपुर आगे बढ़ने की कोशिश, क्या यहां पर कुछ अनोखा कर दिखाएंगे। डैनियल चीमा चुकुए का पास राफेल क्रिवेलारो टू जय मैनुअल थॉमस का शॉट, लेकिन रोहित कुमार वहां पे बिल्कुल रेडी। जमशेदपुर का फाइनल चांस, लास्ट एक्शन ऑफ द गेम हियर टुनाइट। जमशेदपुर क्या इससे कैपिटलाइज करके एक गोल का डेफिसिट कम कर पाएंगे। प्रतीक चौधरी का क्रॉस इनसाइड द बॉक्स और क्लियरेंस लल्ला के पास बॉल, रेफरी अभी तक विसल नहीं दिया यहां पर। प्रणय हल्दार बैक पास देने की कोशिश राकिब और प्रणय हल्दार ने शॉट लिया और यहां पे जमशेदपुर के लिए चौथा गोल।
अभी भी एक गोल से पीछे है जरूर जमशेदपुर, लेकिन मैच तो हाथ से शायद निकल गया है यहाँ पर। अच्छा प्रयास, अच्छा चेस्ट यहाँ पर, नेवर गिव अप की जो पॉलिसी है वो दिख रहा था यहाँ पर जमशेदपुर के पास, और अभी तक यहाँ पर बने हैं मैच पर, हार रहे हैं जरूर लेकिन एंजॉय भी कर रहे हैं मैच को। अच्छा प्रयास किया, अच्छा कोशिश यहाँ पर जमशेदपुर की तरफ से वापस आने के लिए, और एक ही गोल का लीड से, एक गोल का डेफिसिट से यहाँ पर शायद ये मैच हारेंगे। लेकिन यहाँ पर खत्म होता हुआ 90 मिनट्स, और यहाँ पे ईस्ट बंगाल एफसी ऑफ कोर्स द प्रेडिक्टेड विनर फॉर टुनाइट्स गेम अगेंस्ट जमशेदपुर एफसी, और हीरो ऑफ द प्रेडिक्टेड हीरो ऑफ द मैच क्लिटन सिल्वा, चार गोल्स दागे इस प्रेडिक्शन गेम प्ले पर। तो चलिए हम लोग खत्म करेंगे हमारा यहाँ पर प्रेडिक्शन गेम प्ले ईस्ट बंगाल वर्सेज जमशेदपुर एफसी के लिए बीच के बीच। और यहाँ पर आप सभी के जाने से पहले सभी के पास एक छोटा सा रिक्वेस्ट, अगर आप सभी को हमारा ये प्रेडिक्शन गेम प्ले पसंद आता है तो ज़रूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, वीडियो पर एम कर रहे सिर्फ 50 लाइक्स के लिए, और ज़रूर आपका प्रेडिक्शन हमारे कमेंट सेक्शन पर बताना ना भूलिएगा। चलिए खत्म करेंगे हमारा ये प्रेडिक्शन गेम प्ले, मुलाकात होगी बहुत जल्द अगले प्रेडिक्शन गेम प्ले पर, तब तक के लिए ख्याल रखिएगा, खुश रहिएगा, थैंक यू फॉर स्टेइंग विद अस हियर टुनाइट, विल सी यू गाइस वेरी सून, टिल देन टेक केयर, गुड नाइट, गुड बाय।